नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ के बारे में। आज कल ही शाम में आरआरबी ग्रुप डी का आंसर किया आया है। उस आंसर के आने के बाद जो कट ऑफ निकल कर आ रहा है वो कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे बनाया है, यानी जो आपने मार्क्स ऑप्टेन किया है उस मार्क्स के बेसिस पे बनाया है। सो ये ध्यान में रखना, ये मत बोलना कि कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ बढ़ सकता है, घट बढ़ सकता है, ठीक है। और बात कर लें कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट्स का मार्क्स भी आपका घट बढ़ सकता है, इसलिए डोंट वरी। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ पटना जोन की, तो ये काफ़ी हाई जोन रहने वाला है, हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है। पटना, मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद, चंडीगढ़, ये सब काफ़ी, बिलासपुर, रांची, इस बार हाई जोन जाने वाला है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न में जो भी स्टेट है वहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें पटना का जो कट ऑफ है वो पटना का कट ऑफ 53-58 रहेगा आपका यूआर कैंडिडेट्स के लिए। जो यूआर के दोस्त भाई हैं उनका कट ऑफ 53-58 रहने वाला है, और ओबीसी की बात कर ले तो 45-50 रहने वाला है। वहीं एसटी एससी की बात करें तो 40-45 जाने वाला है यहाँ का कट ऑफ। सेम उसी तरह देखा जाए तो कोलकाता का कट ऑफ थोड़ा सा कम आपके पटना से रहेगा, बट लमसम वही रहेगा, 50-55 रहेगा कट ऑफ, या 56 बोलिए, वो आपका यूआर के लिए रहेगा, तो वही 46-50 कट ऑफ रहेगा आपके ओबीसी के लिए। उसके बाद बात कर लें हम एसटी एससी के लिए तो 42-47 रहेगा। अब बात कर लें इलाहाबाद जोन की, तो इलाहाबाद जोन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ 50 होने वाला है, 50 होना चाहिए था, 50-56 का कट ऑफ रहेगा। सेम एज आपका कोलकाता का कट ऑफ रहेगा इलाहाबाद में भी, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है अपर लिमिट लोअर लिमिट में, बट लमसम सेम ही रहेगा। अब बात कर लें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का जो कट ऑफ है वो आपका रहेगा, ये भी उसी के जोन में रहेगा, 50-56 रहेगा। मीन्स ये जो तीनों जोन है ये तीनों जोन का आपका कट ऑफ लमसम सेम रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर ले बिलासपुर की, तो बिलासपुर में थोड़ा पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये सोच के वहाँ ज़्यादा फॉर्म भर दिया, क्योंकि ये आपका बिहार झारखंड यूपी से नज़दीक भी है, और पिछला साल यहाँ कम कट ऑफ गया था, तो सब ने यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्म भराया, इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा गया है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ का जो बिलासपुर का जो कट ऑफ है वो 49-54 कट ऑफ रखा गया है, क्या मैंने एस्टिमेट किया हुआ है, दो तीन जगह से मैंने ये ऑब्जर्व किया, अपने दोस्तों से पूछा, मेरे ग्रुप में कॉमेंट आया, उसके बाद मैंने ये कट ऑफ बनाया है, ठीक है। तो उसका कट ऑफ आपका लमसम 49-54 रहेगा। अब बात कर लें ओबीसी कैंडिडेट्स को, ओबीसी की 44-49 रहेगी, और एसटी एससी की 35-40 रहेगी। अब बात कर ले रांची की, तो यहाँ का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाला है, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो आपका 52-57 का कट ऑफ रहेगा इस रेंज में। अब बात कर ले ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी के लिए 48-52 का जोन रखा गया है, मीन्स इसी के लमसम में आपका कट ऑफ रहा जाएगा। उसके बाद बात कर ले एसटी एससी के लिए, तो एसटी एससी के लिए 42-45 का बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। बात कर ले भुवनेश्वर की, तो थोड़ा सा यहाँ रांची कंपेरिजन टू कम रहेगा कट ऑफ, बट लमसम वही रहेगा। देख लीजिए मेरा भुवनेश्वर का जो कट ऑफ है वो 52-54 रहेगा आपका यूआर के लिए। बात कर लें ओबीसी के लिए, तो 46-50 रहेगा आपके ओबीसी के लिए, वहीं एसटी एससी के लिए 40-44 के बीच रहने वाला है। ये अनुमानित कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आपका पूरा आपका कम, ऐसा नहीं मान लीजिए कि जो मैंने कट ऑफ बताया यही कट ऑफ रहने वाला है, ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद बात कर ले हम अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन का कट ऑफ थोड़ा सा भुवनेश्वर से कम, यानी आपका रहेगा कट ऑफ 48-53 का कट ऑफ रहेगा उसके यूआर के लिए, वहीं ओबीसी के लिए 43-48 रहेगा, और एसटी एससी भाइयों के लिए 39-43 रहेगा। तो ये जोन भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम कंपेरिजन टू अदर जोन कम ही जा रहा है, ठीक है। पिछले बार यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई था। उसके बाद बात कर ले चेन्नई की, तो चेन्नई का जो कट ऑफ है थोड़ा कम रहेगा, ये सब थोड़ा लो जोन में आते हैं, मतलब कि एक्चुअली है कि इधर के लोग ग्रुप डी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग अपने बिजनेस वगैरह पे ज़्यादा ये कंसंट्रेट करते हैं, तो यहाँ के लोग
ग्रुप डी के में कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि यहाँ के लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत कट ऑफ जा रहा है वो इधर के कैंडिडेट्स के लिए यूपी बिहार झारखंड कैंडिडेट जो जाते हैं राजस्थान के कैंडिडेट्स वहाँ भरने उस कारण से थोड़ा बहुत कट ऑफ इतना जा रहा है। तो बात कर ले चेन्नई की तो चेन्नई के 46-51 रहेगा। तो वहीं बात कर लें हम ओबीसी की तो ओबीसी की 41-46 रहेगा और जो आपका एसटीएससी के लिए 38-40 रहेगा। उसके बाद बात कर ले भोपाल की तो भोपाल का कट ऑफ थोड़ा सा कम लमसम चेन्नई के आसपास ही रहेगा, 47-53 रहेगा यूआर के लिए। तो उसके बाद बात कर ले 43-47 रहेगा आपके ओबीसी के लिए और 42-43 रहेगा आपके एसटीएससी के लिए। वहीं बेंगलोर की बात कर ले तो बेंगलोर गुवाहाटी और गोरखपुर ये सब थोड़ा गोरखपुर ज़्यादा है बट बेंगलोर और गुवाहाटी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका लमसम सेम कट ऑफ रहेगा, दोनों का 48-51 या 52 रहेगा। वहीं यूआर का 42-48 का रहेगा और एसटीएससी के लिए 42-44 का रहेगा, यही कट ऑफ रहेगा दोनों जोन के लिए। बात कर ले गोरखपुर की तो गोरखपुर का थोड़ा कट ऑफ हाई जाने वाला है क्योंकि ये यूपी में पड़ता है यहाँ और काफ़ी बड़ा ये जंक्शन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाने वाला है। यहाँ कैंडिडेट्स काफ़ी मात्रा में फॉर्म भरे हैं तो 49-55 का कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए। वहीं आपका एसटीएससी के लिए 42-46 रहेगा और ओबीसी के लिए 46-49 का कट ऑफ रहेगा। बात कर ले सिकंदराबाद की तो सिकंदराबाद और मुंबई का कट ऑफ लमसम सेम रहेगा, दोनों का कट ऑफ 46-50 या 51-52 यही सब में कट ऑफ रहेगा। वहीं बात कर ले ओबीसी भाइयों के लिए तो ओबीसी के लिए भी 43-46 का कट ऑफ रहेगा, वहीं एसटीएससी के लिए 38-42 का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब बात कर ले मुंबई की तो मुंबई का जो कट ऑफ अब बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद का कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। ये जो मैं आपको 3-4 जोन अभी बताऊंगा अहमदाबाद मालदा और जम्मू और सिलीगुड़ी ये सब का कट ऑफ काफ़ी लो जाने वाला है। यहाँ का कट ऑफ लमसम आपका 42-43 के बीच 47 या 48 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ का मैं एक ही बार बता देता हूँ कि लमसम 43-48 का कट ऑफ रहेगा, यहाँ के बीच का 49 पकड़ लो। और बात कर लें यूआर के लिए ये हो गया कट ऑफ और बात कर लें हम ओबीसी के लिए तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका रहेगा 35-41 का कट ऑफ रहेगा लमसम। अब बात कर लें हम एसटीएससी की तो एसटीएससी के लिए 35-38 का कट ऑफ रहेगा। अब बात कर लें मुजफ्फरपुर को तो मुजफ्फरपुर का जोन ये काफ़ी हाई कट ऑफ जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स भरे थे और काफ़ी सीट्स था। तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो आपका 52-57 रहेगा और ये यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 49-52 रहेगा और बात कर ले हम एसटीएससी के लिए तो 44-49 रहेगा। तो ये था दोस्तों सारे जोन का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं मेरा मार्क्स कितना आया है। तो मेरा मार्क्स जो अभी तक से जो मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरा मार्क्स है मैंने 63 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है और 10 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो अब 10 क्वेश्चन में 1-3 कर दो तो आपका आ जाएगा 3.33, तो इतना माइनस कर दो यानी 60 मेरा मार्क्स आ रहा है रॉ मार्क्स। ठीक है, और मैंने जो अप्लाई किया था वो मैं अप्लाई किया था रांची जोन से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।